नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स आज के वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, कल के लिए ट्रेड प्लान करते हैं। मॉर्निंग में कैसे ट्रेड करेंगे, सुबह बाजार कैसे ओपन हो सकता है और इम्पोर्टेंट लेवल क्या होगा, बेस सेटअप क्या हो सकता है फ्रेंड्स, इसके ऊपर वीडियो में डिटेल बात करेंगे। आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी से। देखिए बैंक निफ्टी आज थोड़ा कम वीक हुआ, निफ्टी ज़्यादा गिरावट दिया आज, जबकि कल अपोजिट था। कल निफ्टी कम गिरा था, बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरा था, राइट। तो इसलिए आज मैं प्लान किया, मुझे लगता है कल बैंक निफ्टी बराबर कर लेगा, कल बैंक निफ्टी अगेन गिरेगा। तो इसलिए बाजार क्लोज हो रहा था उस समय मैंने एक ट्रेड दिया है आप लोगों को 48,000 का OTM कॉल सेल। और देखिए जब मैं जनरली ना ITM सेल करता हूँ, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले भी आप लोगों को शेयर किया था कि गिरावट में ना ज़्यादा अच्छा ट्रेड मिलता नहीं है मुझे, ओके। इसलिए मैं OTM प्रीफर करूंगा, अगर मुझे शॉर्ट करना है तो थोड़ा क्वांटिटी में, लेकिन OTM प्रीफर करेंगे शॉर्ट करने के लिए। तो अगर थोड़ा बहुत मूवमेंट नहीं भी आता है तो थीटा डी के मिल जाएगा, या थोड़ा मूवमेंट आ गया तो अच्छा खासा गेन मिल जाएगा, राइट। इस तरीके से कल मैंने निफ्टी में शॉर्ट का पोजिशन बना के गया था, आज ठीक ठाक गेन आया, और मॉर्निंग में भी आप लोगों को अच्छा ट्रेड इसमें मिला होगा, राइट। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था इस लेवल से लेके यहाँ तक कहीं भी खुलता है इमीडिएट इसमें शॉर्ट का प्लान करना चाहिए और टारगेट रखना चाहिए इधर 450 की तरफ। हालांकि उतना तो नहीं आया, बट मुझे लगता है कल ये नीचे आ जाएगा। कल 21,400 की तरफ निफ्टी में गिरावट मुझे दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ थोड़ा सा वीक हो रहा है मार्केट। और बैंक निफ्टी में जब हम लोग शॉर्ट का प्लान किए थे ना, तो कई लोग ना थोड़ा कंफ्यूज भी हुए होंगे, और इसका कुछ कारण भी है, मैं शेयर करता हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को 48,000 का कॉल सेल दिया, ठीक है, 3:20 के आसपास, ठीक है, इसके बाद इमीडिएट ऊपर चला गया। और कहाँ तक गया, हम लोग 220 के आसपास शॉर्ट किए थे, 220 या 222, मैं तो इसी जगह शॉर्ट किया था, तो मुझे काफी ऊपर मिला था 260 में ही, ठीक है। तो मैं ये प्लान किया था कि अगर ऊपर रह जाएगा तो मैं क्लोज कर दूंगा ट्रेड को, लेकिन ये नीचे आ गया था, ठीक है, तो मैं पोजिशन होल्ड करना प्रीफर किया। तो जब हम लोग शॉर्ट किए, इसके बाद ये चला गया था 270। तो आप लोगों को फियर आया रहा होगा, बट इससे पहले कि आप फियर में पोजिशन कट करें, मैंने एक्सप्लेन किया था कि देखिए इसकी सेटलमेंट प्राइस आएगा इसी भाव के आसपास, 47,700 के आसपास ही, ठीक है। इसलिए अगर ऊपर प्रीमियम जा रहा है तो वेट करो, ठीक है, पोजिशन होल्ड करो, क्योंकि एक तो OTM है और सेटलमेंट प्राइस नीचे आ जाएगा, ठीक है। और सेटलमेंट प्राइस नीचे आया भी, क्योंकि दिख भी रहा था। जो नए उन लोगों को बता दूं कि लास्ट का 30 मिनट का एवरेज ट्रेडिंग प्राइस, ठीक है, वेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस, इसका सेटलमेंट प्राइस होता है, वो हम लोग ऑप्शन चेन से देखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन चेन का प्रीमियम कैसे देखेंगे, जैसे कि 47,700 का कॉल का भाव क्या चल रहा है, ठीक है, तो पता चल जाएगा कि कॉल का भाव जितना चल रहा है वहीं पर इसका सेटलमेंट प्राइस आएगा, वेरी सिंपल, ठीक है। तो चलिए, इसलिए मैंने इस पोजिशन को कैरी कर लिया, थोड़ा सा क्वांटिटी मैंने प्लस किया है। तो मुझे लगता है ना कल जैसा सेटअप था निफ्टी में, देखिए अब निफ्टी का सेटअप देखिए, कल का जैसा सेटअप था निफ्टी में, ठीक है, थोड़ा सा रिकवरी दिया था यहाँ से, तो मैं बताया था कि कहीं भी खुले इसमें शॉर्ट का ट्रेड प्लान करना चाहिए, इधर आएगा, आया भी, अच्छा खासा गेन मिला होगा अगर आप इसमें ट्रेड किए रहे होंगे तब, ठीक है। तो सेम सेटअप ना बना है बैंक निफ्टी में, मुझे लगता है कि देखिए अगर इसको बुलिश होना है तो 48,000 के ऊपर खुले और 10-15 मिनट इसके ऊपर रह जाए, तो थोड़ा वोलेटाइल टू बुलिश रहेगा अपर साइड में, फिर ऊपर से शॉर्ट हो सकता है, ठीक है, बट इसको अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर इसको बेरिश होना है तो या तो एक गैप डाउन खुले 47,600 के आसपास, ठीक है, या फिर फ्लैट खुले और इमिडिएट नीचे आए, फ्लैट खुले इमिडिएट नीचे आ सकता है, इसमें तुरंत शॉर्ट किया जा सकता है 48,000 का कॉल, अगर आपके पास ट्रेड नहीं होगा तो। और लोअर साइड का टारगेट रखना चाहिए 48,000, माफ करना 47,000 की तरफ का, ठीक है। तो मुझे लगता है इसमें ठीक ठाक गिरावट मिल जाएगा तो अच्छा गेन हो जाएगा हमारा, OTM में भी ठीक ठाक गेन मिल जाएगा, ये आपका प्लान होना चाहिए, ठीक है। अभी बाई थोड़ा सा वेट करना चाहिए, बाई जल्दी नहीं करना चाहिए, मैं बाई प्लान करता भी और मैंने मैसेज लिखा था भी टेलीग्राम चैनल में, लेकिन लास्ट मिनट में अगर निफ्टी डे लो ब्रेक नहीं किया होता, तो निफ्टी का चार्ट देखिए 15 मिनट का, ये लास्ट मिनट में डे लो ब्रेक किया, तो इसका मतलब है कि बाजार में थोड़ा वीकनेस है। अगर निफ्टी डे लो ब्रेक नहीं करता तो मैं इसमें ना थोड़ा बुलिश या साइडवे जैसा प्लान करता, लेकिन निफ्टी डे लो ब्रेक किया इसलिए इसमें शॉर्ट का प्लान होना चाहिए, मुझे शॉर्ट करना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने किया है। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, फ्लैट खुलता है कहीं भी खुल रहा है, ठीक है, लेकिन ये फ्लैट होना चाहिए, फिर गैप डाउन ओपन होना चाहिए, इमीडिएट शॉर्ट करना चाहिए और इसका हाई का स्टॉप लॉस होना चाहिए, वेरी सिंपल। लोअर साइड में जितना नीचे जाए आपका टारगेट होगा, मुझे लगता है 250-300 पॉइंट का ट्रेड तो मिल जाएगा नीचे की तरफ।
निफ्टी में क्या ट्रेड करें, मुझे लगता है निफ्टी को अवॉइड कर देना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ, अगर शॉर्ट करना है तो थोड़ा सा ऊपर मिल जाए ज्यादा अच्छा है, मतलब 21,550 के पास मिल जाए या 21,570 के आसपास मिल जाए तो आपका शॉर्ट का ट्रेड ठीक ठाक रहेगा। थोड़ा ऊपर से शॉर्ट करें, 600 के जितना करीब हो उतना करीब आप शॉर्ट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और वहां से 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए, आना चाहिए इसको इधर, ठीक है। ए 200 ईएमए का लाइन है, यहां तक इसको आना चाहिए, ठीक है। और कल एक्सपायरी है, तो अगर ये 15-20 मिनट मूवमेंट नहीं दिया, ठीक है, अगर 21,500 में ओपन हुआ, 15-20 मिनट मूवमेंट नहीं दिया, तो फिर आप इसमें स्ट्रगल जैसा प्लान कर सकते हैं, लेकिन प्लान करें 10 बजे के बाद, इससे पहले नहीं, बहुत वॉलेटाइल हो रहा है मार्केट, ठीक है। तो एक आइडिया आपके लिए निफ्टी में और बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स। अब मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट और शेयर करता हूँ, मैंने आज अडानी में आप लोगों को शेयर किया था, ठीक है, कि अडानी में ना न्यूज है इसलिए इसमें प्लान करिए। और बड़ी आश्चर्य की बात है, मेरे पास ना 1200 क्वांटिटी था कॉल पुट दोनों, ठीक है, और मैं कल ही पोजिशन बना के गया था, कल मुझे 12-13 हज़ार प्रॉफिट मिल रहा था, मतलब 4 लॉट में। लेकिन ये मुझे पता नहीं था कि न्यूज आने वाला है, हालांकि इसमें कोई ना कोई न्यूज आता ही रहता है, लेकिन ये पता नहीं था कि एक बड़ा न्यूज आने वाला है, कोर्ट में इसका हियरिंग चल रहा है, राइट भाई साहब। आज ना पर लॉट 50-55 हज़ार रुपया लॉट, मतलब लॉस मुझे सुबह सुबह दिखा रहा था, 50 से 55 हज़ार रुपया लॉस पर लॉट, ठीक है, मतलब समझ रहे हैं, 2-2.5 लाख रुपए मेरा लॉस था केवल 4 लॉट में। तब मुझे पता चला कि यार प्रीमियम तो इसका 90 के चला गया है, मतलब आईबी 90 चला गया है। जब आईबी 90 चला गया, मतलब फियर, समझ रहे हैं ना, फियर 100% बढ़ चुका है, अब और फियर नहीं बढ़ेगा, इसलिए अब ना इसमें शॉर्ट का प्लान करना चाहिए। अगर किए होंगे ना तो पर लॉट कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये का ट्रेड मिला हुआ आप लोगों को, ठीक है, और अभी कई दिनों तक ट्रेड देगा। मेरे पास पोजीशन है 2.5 लाख रुपये लॉस कवर होके ना फिर मैं प्रॉफिट में आ गया, तो आज अच्छा प्रॉफिट रहा ओवरऑल, ओके, क्योंकि निफ्टी में भी शॉर्ट का पोजीशन था, उसमें भी मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट मिला, तो ओवरऑल ठीक ठाक प्रॉफिट में मैंने क्लोज किया है, लगभग 2.5 लाख आसपास, ओके। और कल इसमें मैंने फिर से, चूंकि पोजीशन मेरे पास अभी भी ऑलरेडी है, तो मैं कहूंगा आप लोगों को ना कि 30 हज़ार इसका मैक्स पेन है, 30 हज़ार माफ करिएगा, 3 हज़ार, 3 हज़ार इसका मैक्स पेन है, तो 3 हज़ार का ही स्ट्रगल इसमें प्लान करना चाहिए, या फिर यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर, 300 पॉइंट बिलो आपको कोई स्ट्रगल प्लान करना चाहिए, ठीक ठाक इसमें गेन मिलेगा पूरा मंथ। एक बार मूवमेंट देने के बाद ये बहुत दिनों तक साइडवेज रहता है, तो इस लॉजिक का आप इसमें फायदा उठा सकते हैं, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक में बात करते हैं फ्रेंड्स। बजाज में मैंने भी आप लोगों को शेयर किया हुआ है, मेरा पोजीशन भी देखे होंगे, तो बजाज भी इस बार मेरे पास फिर से 7400 का स्ट्रगल पड़ा हुआ है, और स्ट्रगल भी पड़ा हुआ है 77 एंड 7000 का, इसको भी अभी प्लान करिए, ठीक ठाक पैसा देगा। जनवरी मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा इसमें किसी डायरेक्शनल मूवमेंट आएगा, इवन मार्केट में भी, ठीक है, हो सकता है नीचे की तरफ मूवमेंट करे, लेकिन नीचे का मूवमेंट में थोड़ा उछाल, फिर डाउन, फिर उछाल, फिर डाउन, मतलब सेल ऑन राइज टाइप का मार्केट दिख रहा है, ठीक है। चलिए एक पॉइंट और आपको शेयर करूंगा फ्रेंड्स, जैसे अभी एक दो दिन से मैं एक दो स्टॉक आप लोगों को एवरीडे शेयर करता हूँ, आज मैं फिर आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ उदय शिव कुमार इंफ्रा। हालांकि मैंने बहुत पहले भी इसके बारे में बात किया है, टेलीग्राम चैनल में भी इसके बारे में मैंने मैसेज लिखा है आप लोगों के लिए, ठीक है, और आज भी मैंने बताया था कि 45 के ऊपर क्लोज करता है तो इसको लेके जाओ, शायद आप लोगों ने लिया होगा, मेरे पास 44 के आसपास से बाई है, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ ना ये स्टॉक 60 की तरफ जल्दी जाने वाला है, तो अगर आपको स्विंग में ट्रेड करना है तो इसको लेना चाहिए, डबल भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यूली लिस्टेड स्टॉक है, इनमें बहुत फास्ट मूवमेंट आता है और बहुत बड़ा मूवमेंट आता है, उम्मीद से कहीं ज्यादा, तो इसको आप होल्ड कर सकते हैं, पोजिशन बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए कुछ स्टॉक और जिनके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, आईसीआईसी बैंक, कल मैंने बताया था आप लोगों को इसको शॉर्ट करिए, लेकिन ऊपर से शॉर्ट करिए, अगर किए होंगे तो ट्रेड मिला होगा एक बार, हालांकि फिर ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया है। कल अगेन इसको प्लान करिए आप 988 के आसपास शॉर्ट करने के लिए, और 992 का एसएल डाल दीजिएगा, ठीक है, इसमें शॉर्ट करिए, अगेन आपको 975 की तरफ का ट्रेड इंट्राडे के लिए मिलना चाहिए। चलिए एक स्टॉक और है दोस्तों, नाम है इसका एचडीएफसी बैंक। देखिए या तो ये रिवर्स हो जाए तो बैंक निफ्टी रिवर्स हो जाएगा, अगर ये नीचे गया तो बैंक निफ्टी में बड़ा गिरावट आएगा, ठीक है। दूसरा स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें उछाल मिले तो कल आपको ना इसमें 2600 के आसपास शॉर्ट का प्लान करना चाहिए, राइट, थोड़ा उछाल मिले तो इसमें शॉर्ट का प्लान करना चाहिए, ट्रेड ठीक ठाक मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, ये है टीसीएस। मैं ना थोड़ा इंतजार कर रहा हूँ इनके रिजल्ट्स का, इसके बाद ना न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ का मैं इसमें बुलिश स्प्रेड ट्रेड बनाऊंगा 4000 की तरफ का, ठीक है, एक कॉल बाई करेंगे, एक कॉल सेल करेंगे, वेरी सिंपल, बहुत ही मतलब सेफ ट्रेड बनाएंगे, अच्छा ट्रेड मिलेगा ऐसा मुझे लगता है, इनका रिजल्ट जल्दी आ जाता है, तो आई थिंक इसका रिजल्ट आने वाला है 10-11 तारीख के आसपास आ जाएगा, 11 तारीख को, 11 जनवरी को इसका रिजल्ट है, तो इसके पहले जब भी इसमें रिवर्सल दिखेगा ट्रेड प्लान करेंगे, मुझे लगता है इसमें अपर साइड का ट्रेड मिलेगा, ठीक है।
तो चलिए ये सारे स्टॉक है दोस्तों, इनको नजर में रखिएगा। ऐसे इन्फोसिस भी है, मैं पहले भी आप लोगों को कई बार बोला हूँ, ठीक है, इन्फोसिस का रिजल्ट जो होता है ना पूरे आईटी सेक्टर का बॉटम होता है, इसके बाद पूरा रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ भी मैंने बात किया था, इधर भी मैंने बात किया था, इधर भी मैंने बात किया था, तो वही सिनेरियो फिर है। मुझे लगता है कि ना लोअर लेवल से रिकवर हो जाएगा और फिर से हायर साइड में मूवमेंट मिलेगा, इसमें बुलिश ट्रेड बनाएंगे। वेट करो थोड़ा सा कोई सेटअप आने का, इसके बाद ट्रेड प्लान करेंगे, या फिर रिजल्ट इनका बीत जाए ओके तो ट्रेड प्लान करेंगे, राइट। तो ये रहा दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी के साथ साथ स्टॉक्स के ऊपर मेरा व्यू। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।